हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो, टेक्निकल वीडियो है। बात यह है कि और ये जो सारा प्रोसेस है ये शुभम और साथ करके दिखाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या है और उसके पैरामीटर क्या है, तुम्हें ओसीवी वगैरह सब कुछ क्लियर करना है, ओके वो सब कुछ बताना है। वोल्टेज ड्रॉप एक ऐसा टेस्ट है, क्योंकि देखो ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू I इनटू R, राइट। वोल्टेज करंट, I इज फॉर करंट, V इज फॉर वोल्टेज, I इज फॉर करंट, R इज फॉर रेजिस्टेंस। हम ये तीनों चीजें अपने मल्टीमीटर से मेजर करते हैं। बहुत सारी चीजों में हम लोग करंट मेजर नहीं कर सकते। जब कंपोनेंट को करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट संबंध है, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, वो आइसोलेशन में नहीं चलेंगे। अगर पोटेंशियल है तो सिर्फ वोल्टेज रहेगी, अगर फ्लो होगा तो, अगर वोल्टेज फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो हो रहा है, सो दैट गोज विदाउट सेइंग। और लोड को, लोड जो होता है, जो कंपोनेंट है, उसको चलाने के लिए वो यूज होता है। नाउ सिचुएशन अगर ऐसी आती है कि हमें ये दिखता है कि हमारे को, हमारा जो कंपोनेंट है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या तरीका है? क्या हम हर बार उसका करंट चेक करने चले जाएंगे? क्वाइट डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। बेटर यह है और सेफर मेथड यह है कि आप वोल्टेज ड्रॉप जो है उसकी मास्टरी करो। इनको पूरी तरह समझ में आ गया है, ये आपको करके दिखाएंगे। आज ये आपको एक सिंपल सा सर्किट करके दिखाएंगे, और कल जब हम इसको, वो खड़ी है करोला, वहाँ उसके ऊपर दो हम एक्चुएटर लेंगे और उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आपको करके दिखाएंगे। अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप की मास्टरी कर ली, बिलीव यू मी, आपके 99% इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जो है आगे का जो वीडियो है, दीज गाइज आर गोइंग टू डू इट। थैंक यू। इसमें सबसे पहले करते क्या है कि जो हमको सबसे पहले जो हमारी बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज मेजर करना है। ये देखिए 12.67 वोल्ट आ रही है, मतलब बैटरी हमारी, जब भी हम ये टेस्ट करेंगे तो बैटरी हमारी 12.5 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, मतलब कि चार्ज होनी चाहिए फुल, तभी ये टेस्ट करने का फ़ायदा है, वरना टेस्ट का रिजल्ट है जो गलत आएगा। यहाँ पे देख लिया, ये ठीक है, अब हम ये अपना सर्किट करेंगे कंप्लीट। और जो एक्सेप्टेबल वोल्टेज ड्रॉप की रेंज है वो है 3%, यानी कि बैटरी वोल्टेज का 3%, बैटरी वोल्टेज का 3% आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, तो वो मिलेगा आपको 370 मिली वोल्ट। अगर 370 मिली वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तब तो उसको सही करने की हमको ज़रूरत है, और अगर 3% से कम है तो चल जाएगा। सबसे पहले हम अक्रॉस दी लोड चेक करेंगे। दिखा रहा है हमारा 11.40 वोल्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरा वोल्ट नहीं पहुँच रहा है। अब हम पॉजिटिव साइड चेक करेंगे वोल्टेज ड्रॉप को। ये देखिए 300 मिली वोल्ट हमारा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है। इसी तरीके से ग्राउंड साइड पर चेक करेंगे। इस वाली वायर में भी 300 मिली वोल्ट से कम है, ठीक है, चल जाएगा। अब सुबह ये दिखाओ, एक ओम के रेजिस्टेंस, अब मैं आपको इस सर्किट में एक ओम की रेजिस्टेंस लगा करके दिखाता हूँ, और फिर देखना आप कितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये मैं आपको पहले एक ओम की रेजिस्टेंस को नाप करके दिखा देता हूँ, और करंट भी दिखा दो, उसके बाद फिर करंट भी दिखा दूंगा।
ये देखिए 1.2, ये है हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस। अब इसको हम किसी भी साइड ले सकते हैं, ग्राउंड साइड या पॉजिटिव साइड। ये देखिए बल्ब हमारा पहले से थोड़ा हल्का जल। अब हम यहाँ से यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, 230 मिली वोल्ट ड्रॉप है। और अक्रॉस दी लोड चेक करेंगे हम, ये देखिए 7.5, यानी कि पूरा 5 वोल्ट गायब है। अब वो 5 वोल्ट कहाँ गया वो ढूंढना है हमको, उसके लिए करते हैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। ये जो हो रहा है, अब हम यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, ये आ गया इसमें 4.3 वोल्ट। अब हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ से यहाँ 4.3 वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से। और इसी तरीके से आप गाड़ी में भी चेक करेंगे तो जितने भी हमारा बैटरी से जो वायरिंग जा रही है उसके बीच में जो हमारा फ्यूज़ बॉक्स आएगा, कई सारे कनेक्टर्स आएंगे, तो सभी जगह पे वेरियस पॉइंट्स पे हमको चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से। और जिस भी सेक्शन में हमारी वोल्टेज ड्रॉप मिलेगी उस सेक्शन पर हमको काम करके और जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारा उसको दूर करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको करंट प्लान से भी करंट मेजर करके दिखाता हूँ। पहले जो है बिना रेजिस्टेंस के दिखाता हूँ करंट। ये हमने करंट प्लान का सेटअप कर लिया है, तो हमने जीरो पे कर दिया सेट। अभी देखिए हम इसमें से हाँ कर दिया, ये यहाँ पर जीरो कर दिया हमने। अब हम करंट मेजर करेंगे, ये दिखा रहा है हमारा 5.17 एम्पियर ग्राउंड साइड में। यहाँ पे भी लगभग 5 एम्पियर दिखा रहा है। इस तरह हमारा ये क्योंकि लोड है इसलिए थोड़ा सा फर्क है। अब हम जो है 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा करके फिर देखेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारा। ये देखिए हमारा 1 एम्पियर तुरंत गिर गया 1 ओम की रेजिस्टेंस की वजह से, और बल्ब भी जो है डिम जल रहा है। इस साइड देखेंगे हम, इस साइड भी सेम आ रहा है। तो ये है हमारा वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करने का तरीका। इसी तरीके से आप गाड़ी में भी इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे जो लोड है उस पर वोल्टेज पूरे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अभी मैं आपको टेबल पे करके दिखा रहा हूँ, बाद में आपको कल मैं कार पे करके दिखाऊंगा वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट कैसे करते हैं कार में। यहाँ पर टेबल पे भी है ताकि इसकी समझ में आ जाए।